अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बेक योर ऑर्डर। आज मैं आपके साथ एगलेस चॉकलेट केक बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही इजी एगलेस चॉकलेट केक बनके तैयार होगा। इसके लिए सबसे पहले मैं 7 इंचज़ के 2 पैन तैयार कर रही हूँ। जिस रेसिपी से मैंने केक बनाना है उससे 3 पाउंड का केक बन के तैयार होगा। एगलेस केक मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरे कुछ कस्टमर्स को अंडे से एलर्जी है, वो एगलेस केक ही बनवाते हैं। सबसे पहले एक बोल में हमने कोको पाउडर ले लेना है और उसको छान लेना है। 1 कप एंड क्वार्टर कप यानी कि एक एक पूरा कप भर कर और 1/4 कप हम इसमें कोको पाउडर लेंगे। और सेम ही क्वांटिटी में हमने इसमें नीम गर्म पानी से ज़्यादा गर्म, जिसमें धुएँ उठ रहे हों वो इसमें ऐड कर देना है। दोनों चीज़ें सेम क्वांटिटी में 1 कप और 1/4 कप। इसको हम मिक्स करेंगे तो थोड़ा सा सख्त होगा लेकिन बाद में ये सेट हो जाएगा। और इसमें अब हम इसी क्वांटिटी में सेम रेशियो में हम ऑयल ऐड करेंगे। 1 कप और 1/4 कप हमने इसमें ऑयल डाल देना है। तीनों चीज़ें अब सेम रेशो में हो गई। अब हम इसमें चीनी डालेंगे। चीनी इससे डबल मिकदार में डलेगी यानी कि 2.5 कप चीनी और 2.5 कप ही इसमें हमने मैदा डालना है। ये दो चीज़ें इससे डबल रेशो में है। चीनी तो अभी हम डालेंगे और मैदे को छान के साइड पे रखेंगे, वो बाद में ऐड करेंगे। 2.5 कप चीनी इसमें शामिल करके और फिर बाद में हमने इसमें 2 टीस्पून वनीला एसेंस ऐड कर देना है। आप कोई भी वनीला एसेंस ले सकते हैं, मैं इस टाइम बुश का वनीला एसेंस इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। थोड़ा बैटर जो है, ये मिक्सचर थोड़ा सख्त हो गया है। अब जब हम इसमें थोड़ा सा दही ऐड करेंगे, दही ऐड करना है हमने इसमें 1.5 कप दही ऐड करेंगे और फिर दोबारा मिक्सिंग करेंगे। अच्छा, ये 3 पाउंड के केक की रेसिपी है। आप चाहें तो इसको हाफ़ भी कर सकते हैं, सारे इंग्रेडिएंट्स को हाफ़ करके छोटा भी बना सकते हैं। इसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर देना है और इसके लिए मशीन चलाने की ज़रूरत नहीं है। विस्क से मैं हाथ से इसको कर रही हूँ और देखें कितनी प्यारी शाइनी लेयर और कितना स्मूथ ये बैटर तैयार हो गया है। अब हम मैदा लेंगे एक अलग बोल में। 2.5 कप मैदा, जैसे कि मैंने पहले बताया था, हमने ले लेना है और उसको छान लेना है। जब लेकिन अभी नहीं छानेंगे, इसमें हम बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा डाल के फिर छानेंगे। बेकिंग पाउडर लेना है 1.5 टीस्पून, बेकिंग सोडा लेंगे 1 टीस्पून और सॉल्ट लेंगे 1 टीस्पून। जो मैं आपको मेजरमेंट्स बता रही हूँ, बेशक आपको वीडियो में सेम वैसे ना लग रहे हो लेकिन आपने उसी तरह फॉलो करना है जैसे मैं आपको बता रही हूँ। इसको हमने मिक्स करके अच्छी तरह छान लेना है। अब हमने जो दूसरा मिक्सचर तैयार किया था वो हमने इसमें ऐड कर देना है और इसको विस्क से की मदद से ही, हाथ से ही मिक्स कर लेना है। मशीन चलाने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत ईजी रेसिपी है, इसमें मशीन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और गर्म पानी कोको पाउडर में डालने की वजह ये होती है कि कोको पाउडर जो ऐसी चीज़ है वो ठंडे पानी में हल नहीं होता, उसको हमेशा गर्म पानी में ही डाल के हल किया जाता है। इसलिए जितने भी चॉकलेट केक्स बनाए जाते हैं जिनमें कोको पाउडर डलता है, उसमें नीम गर्म दूध या नीम गर्म पानी डाल के ही कोको पाउडर को डिसॉल्व किया जाता है। अब ये बड़ा देखें अच्छा सा बैटर तैयार हो गया है। थोड़ी देर मैंने हाथ से मिक्स किया है 3 से 4 मिनट और इसको मैंने पैन में डाल दिया है। पैन मैंने रेडी करके रखे हुए दोनों, तो इससे 3 पाउंड केक तैयार होगा। पैन को टैप कर लें और ओवन में रख दें। ओवन पहले से चल रहा है 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 45 से 50 मिनट्स में ये केक बनके तैयार हो जाएंगे। मेरे केक तैयार हो गए हैं। अब इसमें मैं एहतियातन सिर्फ वुडन स्टिक डाल के आपको दिखा रही हूँ कि बिल्कुल क्लीन निकली है, यानी कि केक रेडी है। और एगलेस चॉकलेट केक पे जब हम फ्रॉस्टिंग लगाते हैं तो वो थोड़ी सी आम केक की बनस्पत मुश्किल होती है और केक को हैंडल करना बड़े टेक्निकल तरीके से हैंडल करना पड़ता है, क्योंकि अंडे ना होने की वजह से केक जो है वो बैठता जाता है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा।